डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोज पैकिंग जो होती है क्रिस्टल्स की, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देखें कि एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स का एक खास 3D अरेंजमेंट पाया जाता है। ये जो 3D अरेंजमेंट होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस कॉम्प्लिकेटेड 3D अरेंजमेंट को सिंप्लीफाइड करके स्टडी 3 लेवल्स पर की जाती है। देखिए ये 3 लेवल्स क्या हैं वो हमें देखना है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फर्स्ट, सेकंड अपने पास है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, उसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस तरह से 3 लेवल्स पर स्टडी की जाती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उसको, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं जिनसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका खास 3D अरेंजमेंट होता है। और ये 3D अरेंजमेंट है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे सिंप्लीफाइड करके स्टडी जो की जाती है 3 लेवल्स पे की जाती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशनल में क्या होता है, जो स्फेयर्स होते हैं उनसे रो फॉर्मेशन देखा जाता है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, जो रोज होती हैं उनको 1 by 1 एक दूसरे के साइड में प्लेस किया जाता है जिससे लेयर फॉर्मेशन देखा जाता है। और 3 डायमेंशनल में क्या होता है, लेयर्स को एक के ऊपर एक प्लेस किया जाता है और लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखने से 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ये सब इस तरह से क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो पाती है। अब हम लोग इसमें 1 डायमेंशनल को, 2 डायमेंशनल को और 3 डायमेंशनल, तीनों टाइप की जो क्लोज पैकिंग है इनको 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्पेयर्स टू रॉ फॉर्मेशन देखना है। एक्चुअली क्या होता है कि स्पेस के अंदर जो जब रॉ फॉर्मेशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं जैसे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में, आयंस आयोनिक सॉलिड के केस में, तो वो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ये 1 by 1 इस तरह से, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साइड में 1 by 1 क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इनके अरेंज होने से यदि इनके न्यूक्लियस को हम लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दें तो अपने पास में एक रो प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है स्फीयर्स 1 by 1 एक दूसरे के साइड में एक ही डायरेक्शन में चल के आते हैं जिससे रो का फॉर्मेशन हो जाता है। एक खास चीज और है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, वो अपने पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में लिखा है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, रो के लिए 2 होती है। कैसे होती है, एक पर्टिकुलर हमने एटम लिया, ये स्फीयर ले लिया, ठीक है, इसको डायरेक्टली टच करने वाले स्फीयर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर्स, तो जो नियर बाय टच करने वाले स्फीयर्स हैं उनकी जो नंबर है उससे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्रिस्टल में किसी भी पर्टिकुलर एटम को मॉलिक्यूल को डायरेक्टली टच करने वाले एटम्स के जितने नंबर हैं वही उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है, यहाँ पर रो के लिए 2 हो जाती है। दूसरी खास बात क्या है, रो के अंदर वर्ड्स जनरेट नहीं होती है, वैकेंसी जनरेट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वैकेंसीज होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो जो वैकेंसीज होती हैं वर्ड्स होती हैं, ये वर्ड्स लेयर के अंदर फॉर्म होती हैं और 3D क्रिस्टल के अंदर होती हैं। सिंगल जो रो होती है उसमें ये वर्ड्स नहीं बन पाती हैं। तो इस तरह से स्फीयर्स के आपस में एक दूसरे के पास अरेंज होने से, एक दूसरे के पास बैठने से क्या बन जाती है, रो बन जाती है। ठीक है, और रो के जो पार्टिकल्स हैं एक ही डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं और इसलिए इसको 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और यहाँ पर ये जो रो होती हैं आगे चल के लेयर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोग इसमें सेकेंड लेवल पर जाते हैं, वो अपने पास है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग रो टू लेयर, यानी कि
जो रोज बनती हैं, जो अभी हमने एक रो को देखा था, ऐसी बहुत सारी रो एक दूसरे के पास अरेंज होकर के लेयर फॉर्मेशन करती हैं। ये जो टू टू डायमेंशनल लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के दो टाइप होते हैं। एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। यहाँ शॉर्ट में मैंने इनको लिखा है 2D, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। तो ये जो लेयर्स होती हैं अपने आप में 2D होती हैं, दो टाइप की होती हैं। डिटेल से भी देख लेते हैं। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में 2DSCP, ठीक है। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो लेयर बनती है वो कैसे बनती है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गई, पार्टिकल्स की फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है पार्टिकल्स की, इसके ऊपर सेकेंड रो आएगी। आप देखिए सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स हैं उनके फर्स्ट रो के पार्टिकल्स पर सेट होने के दो तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका तो ये पॉसिबल है कि जो सेकेंड रो के पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर रखे जाएं, जैसा यहाँ पर देखे गए हैं। ये फर्स्ट रो के पार्टिकल्स है, इसके ऊपर कौन सा आया, सेकेंड रो का पार्टिकल। दिस इज फर्स्ट रो पार्टिकल, इसके ऊपर आया है सेकेंड रो का पार्टिकल। इसी तरह से बाकी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट रो का पार्टिकल है, इसके ऊपर कौन सा आया है, सेकेंड रो का पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रखे जाएं, ठीक है। और जो फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस थे इनको वैकेंट छोड़ दिया जाए, डिप्रेशंस को वैकेंट छोड़ दें, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल आए। तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होती है ये होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ठीक है। तो दो तरीके पॉसिबल हैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो पे रखने के लिए, या तो स्फेयर्स को स्फेयर्स पे रखा जाए, या स्फेयर्स को सेकेंड रो के जो स्पेयर्स हैं उनको फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस हैं उनमें रखा जाए, ठीक है। जब डिप्रेशंस में रखा जाता है तो सेकेंड टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में फर्स्ट रो के ऊपर कौन सी आई है, सेकेंड रो आ गई, ठीक है। इसी तरह से अपने पास में थर्ड रो के पार्टिकल्स आ गए, नेक्स्ट फोर्थ रो के आगे, इसी तरह से बाकी रोज के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो एक खास पैटर्न है, फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर रखे गए हैं सेकेंड रो के पार्टिकल्स, सेकेंड रो के पार्टिकल्स पे थर्ड रो के, सिमिलरली फोर्थ रो के, फिफ्थ रो के, यानी रिमेनिंग जितनी भी रोज होती हैं तो सबके पार्टिकल्स पे पार्टिकल रखे जाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स आर इन अलाइनमेंट बोथ वर्टिकल एंड बोथ हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल्स हैं जो वर्टिकल रूप से भी क्या होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से। ये क्या है, अलाइनमेंट में, एक सीध में, कहीं से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, इनका अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट ये भी क्या होता है, इस तरह से अलाइनमेंट में होते हैं पार्टिकल्स, लगातार एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सीध में होते हैं पार्टिकल्स। इस तरह से ये पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, अपने पास में एक लेयर प्रिपेयर हो जाती है। तो हमने यहाँ जो देखा है ये सब के सब क्या है, अलाइनमेंट में है इस तरह से। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है इसके अंदर पैटर्न ए ए टाइप का होता है। देखिए ये ए ए टाइप से मतलब क्या है, जिसे फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स हैं इनके पैटर्न को मैंने ए टाइप नाम दे दिया, तो सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स हैं उनका पैटर्न भी क्या हो जाएगा, ए टाइप का हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे फर्स्ट की कॉपी है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रो के पार्टिकल्स का पैटर्न भी ए टाइप, फोर्थ रो के पार्टिकल्स का भी ए टाइप, और रिमेनिंग जो रोज हैं जितनी भी हैं उनका पैटर्न भी क्या हो जाता है, ए टाइप हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये जो पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, ए टाइप का पैटर्न हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इसका नाम क्या रखा गया है, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्यों रखा गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो रो होती है, जो रो रखी जाती है एक के ऊपर एक जिससे लेयर फॉर्म होती है, तो नेक्स्ट रो को क्या रख सकते हैं, या तो टॉप की साइड से रख सकते हैं, अपर साइड से रख सकते हैं, ठीक है, एक साइड से इधर से रख सकते हैं, ठीक है।
और या फिर लेफ्ट राइट साइड से रख सकते हैं या अपर और लोअर साइड से रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो डायरेक्शन से रखा जा सकता है, जैसे या तो एक्स डायरेक्शन में रख सकते हैं नहीं रो को, या वाई डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे इसको मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया है, किसको, लेयर को, तो ये एक्स वाई डायरेक्शन से ही नई रो को रखा जा सकता है, ठीक है। जेड डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल नहीं रखा जाता है। तो टोटली हमने क्या देखा है, जो पार्टिकल्स होते हैं दो डायरेक्शन से चल के आ सकते हैं, रो जो होती है दो डायरेक्शन से चल के आ सकती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा वर्ड क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे पड़ा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे पड़ा है, हम लोग यहां पर देखें कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करें, जैसे मैंने इसको कंसिडर किया है, ठीक है, इस पार्टिकल को, इसको डायरेक्टली टच करने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, वन टू थ्री एंड फोर। तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल को डायरेक्टली टच करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, फोर। ये फोर पार्टिकल्स हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। देखिए इसके टच में तो बाकी सभी हैं, लेकिन डायरेक्टली सीधे तौर पे जो इसके कांटेक्ट में हैं ये नियर बाई फोर एटम्स हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सी एन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा है, यदि इन फोर पार्टिकल्स के सेंटर्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाए, इस तरह से कनेक्ट किया जाए, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाए, तो अपने पास में क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम लोगों ने और भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर पार्टिकल ले लिया मैंने, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल में भी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये पर्टिकुलर पार्टिकल ले लिया मैंने, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ये टच वाले हैं, इन टच वाले के जो सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्ट किया, तो अपने पास क्या प्रिपेयर हुआ, स्क्वायर तैयार हो जाता है। इस वजह से इस पैकिंग का नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो हमने देखा है टू डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि जो रोज होती हैं या तो एक्स डायरेक्शन से रखी जा सकती हैं या वाई डायरेक्शन से रखी जा सकती हैं, दो डायरेक्शन से रखते हैं, इसलिए नाम है टू डायमेंशनल, ठीक है। कंप्लीट लेयर अपने आप में 2D होती है इस वजह से। दूसरी बात क्या है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम क्या है, क्योंकि ये जो नियर बाई हैं इनको आपस में अटैच करने से स्क्वायर बनता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फोर होता है। एक खास चीज और है, वर्ड्स की बात आ गई, वर्ड्स की, तो वर्ड्स कौन सी होती हैं, टेट्रागोनल वर्ड्स होती हैं। इस वर्ड को हम लोग डिस्कस करें, वर्ड्स कह दें, वैकेंसी कह दें, हॉल कह दें, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो एक वैकेंसी है, वर्ड्स है इन फोर पार्टिकल्स के बीच में, इन फोर पार्टिकल्स के बीच में, तो ये जो वैकेंसी है इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, एंगल्स हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये फोर कॉर्नर्स की या फोर एंगल्स की है, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्रागोनल, ठीक है। हम लोग कहीं पर भी देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये अपने आप में क्या है, टेट्रागोनल। इसी तरह से ये वैकेंसी भी क्या है, टेट्रागोनल। सिमिलरली जितनी भी वैकेंसी हैं ये सब क्या होती हैं, टेट्रागोनल वैकेंसीज होती हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, पैटर्न क्या हो जाएगा, ए टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, फोर। नियर बाय के सेंटर्स को अटैच किया जाए तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, तो नाम पड़ गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो वर्ड्स होती हैं लेयर के अंदर, ये लेयर की बात हो रही है, ये अपने आप में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर है। लेयर में जो वर्ड्स होती हैं ये वर्ड्स कौन सी होती हैं, टेट्रागोनल टाइप की, ये वर्ड्स टेट्रागोनल टाइप की। और भी कितनी वर्ड्स हैं, ये सारी वर्ड्स क्या हैं, टेट्रागोनल टाइप की वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाती है। आगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया इसको, ये जो रेड कलर से फिल किया गया है इस खाली स्पेस को, ये अपने आप में टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो अपने पास है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग,
रो से लेयर फॉर्मेशन और सेकंड टाइप पे आ गए हम लोग। तो एक तो हमने क्या देखा है कि लेयर फॉर्मेशन होती है स्क्वायर क्लोज़ पैकिंग टाइप की, उसमें पार्टिकल्स पे पार्टिकल रखे जाते हैं और जितने भी जो डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको क्या छोड़ दिया जाता है खाली, वहां पे कोई पार्टिकल प्लेस नहीं किया जाता है। ठीक है, वो थी अपने आप क्या थी, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकंड जो क्लोज पैकिंग होती है, लेयर्स दो टाइप की होती है। जो सेकंड टाइप की लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर्स होती हैं। शॉर्ट में हमने लिख दिया 2DHCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर्स होती हैं ये कैसे बन पाती हैं, ये देखें, दिस इज फर्स्ट रॉ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रॉ। तो अब की बार हमने क्या देखा है, फर्स्ट रॉ के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो डिप्रेशंस हैं, ये डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन पे क्या रखा गया है, सेकेंड रो के पार्टिकल्स रखे गए। फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकेंड रो के पार्टिकल्स रखे गए, ये वाली जो जगह है ये डिप्रेशन, इधर ये डिप्रेशन, इधर ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन में रखे गए हैं। ठीक है, और फर्स्ट रो और सेकेंड रो के पार्टिकल्स हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है, एक सीध में नहीं है। ठीक है, थर्ड रो को रखा गया है, फिर डिप्रेशन में रखा गया है, फोर्थ रो को डिप्रेशन में रखा गया, इसी तरह से फिफ्थ रो को और रिमेनिंग रोज को भी किसमें रखा जाता है, डिप्रेशंस में रखा जाता है। तो रोज एक दूसरे के ऊपर सेट की जाती हैं, प्लेस की जाती हैं, तो इससे क्या बनती है, लेयर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है, जो पार्टिकल्स हैं ये कौन सी होगी, जैसे लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सी होगी, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड सो ऑन। तो जितनी भी जो रोज होती हैं वन बाई एक, वन एक के ऊपर एक प्लेस की जाती हैं, बट अब की बार जो प्लेसिंग होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट रो होती है जो डिप्रेशन पर रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसमें कोई भी एक पार्टिकल लिया हमने, पर्टिकुलर एक पार्टिकल लिया, जैसे ये ले लिया मैंने, ये कंसिडर किया। ठीक है, इसको डायरेक्टली जो टच कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी। ठीक है, और इनके सेंटर्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो अपने पास में क्या बनता है, एक हेक्सागोनल रिंग बनती है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम पड़ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम पड़ा है। आगे देखें हम लोग, इसमें पैटर्न की बात आती है, ABAB टाइप पैटर्न है। ABAB से मतलब क्या है, सपोज करो फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स हैं इनका पैटर्न ए से डिनोट किया, तो सेकंड रो के जो पार्टिकल्स हैं इनको बी से डिनोट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो के पार्टिकल्स और सेकंड रो के पार्टिकल्स एक साथ अलाइनमेंट में नहीं है, इस वजह से। हाँ, फर्स्ट रो के पार्टिकल्स का किससे अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, थर्ड रो से, और थर्ड रो के किससे कर रहे हैं, फिफ्थ रो से। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं, फर्स्ट रो किससे में अलाइनमेंट हो रहा है, थर्ड से, और थर्ड का किससे हो रहा है, फिफ्थ से हो रहा है। इसी तरह से सेकंड रो का अलाइनमेंट किससे हो रहा है, फोर्थ से हो रहा है, और फोर्थ का किससे हो जाएगा, नेक्स्ट सिक्स्थ लेयर से हो जाएगा। यानी कि जो अल्टरनेटिव रोज होती हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं। हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में इनका अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, इधर इनका अलाइनमेंट ये हो रहा है, इधर ये एक दूसरे से अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलाइनमेंट शो कर रहे हैं। इसी तरह से ये पार्टिकल और रिमेनिंग ये पार्टिकल, ये थ्री पार्टिकल्स, इधर भी ये थ्री पार्टिकल्स, इनके सेंटर से मैंने क्या पास किया है, ये इनके सेंटर से वो किया है, लाइन को पास किया है। इस तरह से ये थ्री पार्टिकल्स, ये किसका है, फर्स्ट रो का, ये थर्ड रो का, और ये फिफ्थ रो का, यानी कि 1, 3, 5, 7,
यानी कि ऑड नंबर जो रोज होती हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलाइनमेंट शो करते हैं, और इन सब का ऑड नंबर का टाइप पैटर्न क्या नाम दे दिया मैंने, ए टाइप दे दिया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कुछ अलग देख रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल इसके साथ अलाइनमेंट शो कर रहा है, ये किस रो का है, ये सेकंड रो, और ये किस रो के हैं, फोर्थ रो। फोर्थ रो के पार्टिकल्स और सेकंड रो के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, इस तरह से कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट फोर्थ रो पार्टिकल एंड दिस वन इज सेकंड रो पार्टिकल, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, ये पार्टिकल इसके साथ अलाइनमेंट शो कर रहा है, यानी कि 2, 4, 6 इवन नंबर जो रोज होती हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलाइनमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेटिव जो रोज होती हैं, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, तो पैटर्न ए बी ए बी टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने अभी बताया है, जैसे ये है अपने पास, इसको नियर बाई जो टच कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले 6 पार्टिकल्स हैं, और इनके सेंटर्स को हमने जब कनेक्ट किया है तो अपने पास हेक्सागोनल तैयार हो गया, रिंग तैयार हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ये जो वॉइड है लेयर में, ये 1, 2, 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, ये जो वॉइड है ये क्या कहलाती है, ट्राइगोनल वॉइड्स। इसमें 3 एंगल्स हैं, 1, 2, 3 ट्राइगोनल वॉइड्स। ये भी अपने आप में क्या है, एक ट्राइगोनल वॉइड है, ये भी अपने आप में क्या है, ट्राइगोनल वॉइड्स। कितनी हम लोग देख सकते हैं, सब की सब क्या होती हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स होती हैं। ठीक है, ये ट्राइगोनल वॉइड्स जो होती हैं, इनके भी दो टाइप हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स के भी दो टाइप हैं। देखिए इसको देखो, ये वाली, ठीक है, अब मैं ज्यादा इसमें अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, इतना ही सफिशियंट है, या एक दो और ले लेता हूं इधर से, ये ले लिया मैंने। इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ट्राइगोनल वॉइड है इसका एपेक्स अपर साइड में है, इसका एपेक्स, ये एपेक्स हो गया अपर साइड में, एपेक्स क्या है, अपर साइड में, तो इसे क्या कहते हैं, सुपरियर ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल जो वर्ड्स होती हैं, वैकेंसी होती हैं जो एक लेयर में पाई जाती हैं, ट्राइगोनल वैकेंसी जो लेयर में पाई जाती हैं, इनका भी क्या होता है, दो टाइप की होती हैं, सुपीरियर, एपेक्स टॉप साइड में है तो सुपीरियर, दूसरी क्या है, एपेक्स यदि बॉटम साइड में होता वो क्या कहलाती है, इन्फीरियर। इस पे देखो, इसका एपेक्स ये है लोअर साइड में है, इसको देखिए ये भी लोअर साइड में है, तो ये अपने आप में क्या हो गई है, इन्फीरियर हो गई है। मैंने कुछ को हाईलाइट किया है, ये सब क्या हो गई है, जो ग्रीन कलर के सर्किल में शो की है, इन्फीरियर इन्फीरियर इन्फीरियर। तो जो ट्राइगोनल वर्ड्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर होती हैं, और ये इस तरह से 3 पार्टिकल से मिलके बनती है, जैसा हमने उस लेयर में देखा था स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में, टेट्रागोनल वर्ड्स होती हैं जो 4 पार्टिकल से मिलके बनती हैं, और जो ट्राइगोनल वर्ड्स होती हैं 3 पार्टिकल्स के मिलने से बनती हैं। ये जो टेट्रागोनल ट्राइगोनल वर्ड्स होती हैं, ये सिर्फ लेयर में देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये लेयर के ही पार्टिकल्स के बीच में बन पाती हैं। तो इस तरह से अपने पास में ये क्या हो गया, अपने पास में क्लोज पैकिंग हो गई है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा था भाई स्फेयर, स्फेयर्स के मिलने से क्या बनती है, रॉ, एक दूसरे के साइड में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगी, रॉ। और फिर हमने क्या देखा है, रॉ से क्या बनती है, लेयर्स, जो दो टाइप की होती हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो ये अपने पास में क्या है, लेयर्स, इस तरह से। तो रो से क्या प्रिपेयर होता है, लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने देखा था, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं लेयर्स के थ्रू 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। लेयर्स अपने पास दो टाइप की थी, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, तो इनसे जो 3D क्रिस्टल बनता है वो कौन सा बनता है, प्राइमेटिव टाइप का बनता है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो लेयर्स होती हैं, इनसे जो 3D क्रिस्टल बनता है वो किस कैसा बनता है, प्राइमेटिव टाइप का बनता है। ठीक है, और इसे हम लोग एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे। ठीक
ठीक है, तो ये प्राइमिटिव टाइप का बनता है। देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, सॉरी रो नहीं लेयर, ये जो पार्टिकल्स की क्या है, फर्स्ट लेयर है। ठीक है, हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, लेयर से 3D क्रिस्टल फॉर्मेशन देख रहे हैं, लेयर से 3D क्रिस्टल फॉर्मेशन। ये जो अपने पास है, ये कौन सी है, फर्स्ट लेयर है पार्टिकल्स की। ठीक है, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर कौन सी आती है, सेकंड लेयर, इसके ऊपर नेक्स्ट आएगी थर्ड लेयर, ठीक है, उसके ऊपर फोर्थ लेयर, इसी तरह से फिफ्थ लेयर और रिमेनिंग लेयर्स आएंगे, लेयर से एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएंगे। तो ये अपने पास जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक प्राइमिटिव क्रिस्टल है। इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट रो के जो ये पार्टिकल्स, सॉरी फर्स्ट लेयर के जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर क्या आते हैं, पार्टिकल आते हैं। ठीक है, यानी कि लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स आते हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स होती हैं, इनसे जो 3D क्रिस्टल बनते हैं, वो प्राइमिटिव टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, उनमें प्राइमिटिव टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स को रखा जाता है, जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। ये देखिए इस तरह से, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये देखिए हम लोग इस तरह से, जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। तो जो लेयर के पार्टिकल हैं, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखे गए हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, इनका अलाइनमेंट होता है सेकंड लेयर के सभी पार्टिकल्स के साथ, सिमिलरली थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एंड सो ऑन। यानी कि जितनी भी जो लेयर्स होती हैं, सभी लेयर्स के पार्टिकल्स पे पार्टिकल्स को रखा जाता है। ठीक है, और जो डिप्रेशंस थे, वैकेंसीज थी, वर्ड्स थी, टेट्रागोनल वर्ड्स, वो क्या रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, थ्रू आउट क्रिस्टल में वैकेंट रह जाती हैं। तो इस तरह का जो ये पैटर्न है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमिटिव क्रिस्टल कहते हैं। ये 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को देखिए, ये एक वैकेंसी है। ठीक है, ऐसी एक वैकेंसी ये भी है, ऐसी एक वैकेंसी ये भी है। ठीक है, ये वैकेंसी है जो क्रिस्टल में वन साइड से, फ्रंट साइड से रियर साइड आर पार होगी। ठीक है, इसी तरह से वैकेंसी यहाँ पर भी होगी, इन चार पार्टिकल्स के बीच में होगी। और ये वैकेंसी है जो इस तरह से इधर से निकल करके इधर आर पार जाए, वो हमें दिखाई भी दे रही है। एक वैकेंसी है जो इस तरह से वैकेंसीज लगातार हो रही है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिकल्स के बीच में जो वर्ड्स होती हैं, वर्ड्स थ्रू आउट क्रिस्टल होती हैं, एक साइड से दूसरी साइड आर पार निकल जाती हैं वर्ड्स। यदि अपने पास में ये बॉल्स हों और अपन वायर ले लें, तो इस वायर को यहाँ से इस तरह से पास किया जा सकता है थ्रू आउट क्रिस्टल। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी होती है, यहाँ पर एक वैकेंसी होगी, चार पार्टिकल्स, आठ पार्टिकल्स के बीच में, चार तो ये सामने के, चार इनके पीछे, तो यहाँ वैकेंसी होगी, इधर वैकेंसी होगी, इधर वैकेंसी होगी। तो ये वैकेंसीज होती हैं इस तरह से थ्रू आउट क्रिस्टल में होती हैं, आर पार होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब लोग हम इसे हाईलाइट करके देख लेते हैं, उसकी सहायता से, डायग्राम की सहायता से देख रहे हैं इस तरह से। ये सब क्या है, वैकेंसीज हैं, ये सब क्या है, वैकेंसीज हैं, इस तरह से ये वैकेंसीज हैं जिनको हमने डायमंड की हेल्प से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर से 3D प्राइमिटिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर बढ़ जाते हैं। हाँ, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्रिस्टल बनता है, इसके लिए दूसरे डायग्राम से देख सकते हैं, इस डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, पीछे वाले डायग्राम में एक चीज़ और थी जो हमने डिस्कस नहीं की है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है, ये जो पार्टिकल है अपने पास में, 1, 2, 3, 4,
इनके नीचे फोर पार्टिकल होंगे, यानी कि आठ पार्टिकल्स। इनके कॉर्नर्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया जाए। मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, इधर ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया जाए। ऐसे ही जो नीचे वाले हैं उनके कॉर्नर्स को भी किया जाए और उन सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ दें, तो अपने पास एक क्यूब बनती है। कौन सी क्यूब बनती है? प्राइमिटिव टाइप की क्यूब बनती है, क्यूब बन जाती है, ठीक है। इन फोर पार्टिकल्स के जस्ट नीचे, इसके नीचे कौन सा हो जाएगा? ये पार्टिकल, इसके नीचे ये पार्टिकल, और इसके नीचे ये पार्टिकल। डायग्राम में हमें सेवन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स डायरेक्ट दिख रहे हैं इसके अंदर, और इसके नीचे ये वाला पार्टिकल होगा जो अंदर है थोड़ा सा इस तरह से। इन आठों पार्टिकल्स को इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं नई लाइन्स का यूज कर लेता हूँ। इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से इन सबको इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दें इस तरह से। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, ये कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये अंदर वाला है, इसको मैंने इधर से कनेक्ट कर दिया, ऊपर से इधर से कनेक्ट कर दिया, ये इधर से ये कर दिया, ठीक है। तो ये जो आठ पार्टिकल्स हैं, इनके जो सेंटर्स हैं पार्टिकल्स के, सेंटर्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें तो अपने पास एक क्यूब बनती है, और इस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? प्राइमिटिव टाइप की पैकिंग इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं अपने पास में, ये है, इस डायग्राम में भी ये चीज देखी गई है, ठीक है। पैटर्न क्या होता है? ए टाइप, सबका पैटर्न एक जैसा था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? सिक्स होती है। एक पार्टिकल को डायरेक्ट टच करने वाले पार्टिकल्स कितने होते हैं? सिक्स। जो 3D प्राइमेटिक क्रिस्टल होता है उसमें प्रत्येक पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर पाते हैं? सिक्स पार्टिकल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? सिक्स। एटम्स पर यूनिट सेल, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो प्राइमेटिव यूनिट सेल्स होती हैं उनमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वन होता है, कॉर्नर्स का ही होता है, और कॉर्नर्स के एक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या देखा था? वन अपॉन एट। तो टोटल कितने कॉर्नर पार्टिकल हैं? एट। टोटल क्या हो जाएगा ये? वन। तो एटम्स पर यूनिट सेल वन। पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कैलकुलेशन की जाती है, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो कितनी आती है यहाँ पर? 52.4%, बहुत कम। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 52.4% वॉल्यूम क्या होता है? पार्टिकल से कवर्ड होता है, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम है 47.6, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो सब क्या होता है? वैकेंसी होती है सब में, थ्रू आउट वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी है काफ़ी क्या है? पुअर है। और ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी रेयर हैं। एक ही एग्जाम्पल मिल पाया है मुझे, अल्फा पोलोनियम। पोलोनियम का जो अल्फा फॉर्म होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्राइमेटिव यूनिट सेल कंटेन कर पाते हैं, इस तरह का उसमें अरेंजमेंट होता है। हाँ, एक चीज़ और थी डिस्कस करने के लिए, वो ये थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है। कैसे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, इसको हम लोग देखें यहाँ पर। जैसे ये पार्टिकल मैंने कंसिडर किया, ये पार्टिकल, ठीक है, इसको, इस पार्टिकल को टच करने वाले पार्टिकल्स कौन से हो जाएंगे? अपर साइड का वन, लोअर साइड का टू, लेफ्ट थ्री, और राइट का क्या? फोर। इसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं? फोर। इसके रियर साइड में एक पार्टिकल ये होगा जो हमें थोड़ा सा दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा? ये फिफ्थ। और इसके फ्रंट साइड में भी आएगा, फ्रंट साइड में पार्टिकल्स होंगे, फ्रंट साइड का जो पार्टिकल है वो कौन सा हो जाएगा? सिक्स पार्टिकल्स। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के ये क्या हो जाएगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, लोअर साइड, रियर एंड फ्रंट, फोर, सिक्स डायरेक्शंस हो गई है। ये सिक्स पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पार्टिकल को क्या कर पाएंगे? टच कर पाएंगे। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है यहाँ पर? सिक्स हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमने यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे चल पड़े हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो लेयर्स होती हैं उनसे 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। दो टाइप की लेयर्स थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इनसे क्या बनता है? प्राइमेटिव क्रिस्टल बन पाते हैं।
दूसरी जो लेयर्स थी अपने पास थी वो थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, 2D लेयर्स। इन लेयर्स से 3D क्रिस्टल बनते हैं, तो दो टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, एक तो बनते हैं SCP टाइप के और दूसरे बनते हैं CC टाइप, CCP। दो टाइप के क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं। कैसे क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्रिस्टल फॉर्मेशन को बाई प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को प्लेस किया जाए फर्स्ट लेयर पे, इस तरह से क्रिस्टल बनता है। यहाँ हमें थोड़ा केयर से देखना है, ये काफ़ी एक अपने आप में क्या है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये देखना है। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स से 3D क्रिस्टल का फॉर्मेशन। दो टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, SCP टाइप के एंड CCP टाइप के। कैसे बन पाते हैं ये देखिए, सॉरी ये क्या है, एक पार्टिकल्स की लेयर हो गई, और ये लेयर क्या हो गई, हेक्सागोनल हो गई। हम लोग चेक कर सकते हैं ये हेक्सागोनल है, ये इस तरह से क्या है अपने आप में हेक्सागोनल है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल, ठीक है। आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये जो हेक्सागोनल लेयर है इसमें ये हमें क्या दिखाई दे रही है, ट्राइगोनल वुड्स दिखाई दे रही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो लेयर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, वो 3D होते हैं। उन स्फेयर्स को मैंने सर्किल्स से शो किया है। इसका रीजन क्या है कि ये जो यहाँ पर स्फेयर्स लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसे एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से। तो हम लोग चूंकि 2D प्लेन पर डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, 3D है नहीं ये सब सिस्टम, तो हम इसको 2D प्लेन पर डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हमने स्फेयर्स की जगह क्या लिया, सर्किल लिए। तो ये जो सभी सर्किल्स हैं ये क्या हैं, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स, ठीक। इस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं, पिंक कलर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को प्लेस किया जाए, ये मैंने प्लेस कर दिया इस तरह से, ठीक है। जब सेकंड को प्लेस किया गया है तो उस टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको डिटेल से। जैसे एक को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये पार्टिकल है फर्स्ट लेयर का, ये पार्टिकल फर्स्ट लेयर का, और ये पार्टिकल सेकंड लेयर का, पिंक कलर के तीन पार्टिकल्स हो गए ये, ठीक है। इनके ऊपर ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो ब्लैक कलर का सर्किल है, ये जो पार्टिकल है तीन के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट लेयर की जो ट्राइगोनल वॉइड थी, उस वॉइड्स के ऊपर, उस डिप्रेशन के ऊपर ये पार्टिकल रखा गया है सेकंड लेयर का। तो ये कितने पार्टिकल्स हो गए, फोर पार्टिकल्स, और इनके बीच में होल जनरेट हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, टेट्रागोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल होल। क्या नाम रखा गया है, टेट्राहेड्रल रखा गया है। आगे हम लोग इसको देखें इस तरह से, ये देखिए ये पॉइंट शो कर पा रहे हैं। एक किसी भी पॉइंट को डिस्कस कर ले, एक को कर लेते हैं, जैसे ये देख लिया मैंने, ये क्या है, थ्री लेयर्स ऑफ, सॉरी थ्री पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट लेयर का वन पार्टिकल, ये फर्स्ट लेयर का सेकंड पार्टिकल, और ये फर्स्ट लेयर का थर्ड पार्टिकल। फर्स्ट लेयर के थ्री पार्टिकल्स, उनके ऊपर कौन सा आया है, सेकंड लेयर का वन पार्टिकल, तीन के ऊपर एक आया है, और उनके बीच में एक होल जनरेट हुआ है, जिस होल को कहते हैं टेट्राहेड्रल होल। तो ये जितने भी ये पर्पल कलर के जो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये सब कैसे हैं, थ्री पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के और वन पार्टिकल सेकंड लेयर का, उनके बीच के होल्स हैं, और ये होल्स अपने आप में क्या हैं, टेट्राहेड्रल वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये सब के सब कवर्ड है, क्योंकि नीचे के तीन पार्टिकल, ऊपर का एक पार्टिकल उसे रखा हुआ है, तो ये ढके हुए होल है, ये कवर्ड कहलाते हैं। तो ये सारी टेट्राहेड्रल जो वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, कवर्ड है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, ये भी अपने आप में क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स जनरेट हो रही है। ये कैसे हो रही है,
फर्स्ट लेयर का कितने पार्टिकल हैं, वन पार्टिकल, और सेकंड लेयर के कितने पार्टिकल्स हैं, थ्री पार्टिकल्स, वन टू और ये क्या है थ्री। और भी चेक कर सकते हैं, पिंक कलर के पार्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ, ये पिंक कलर का एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये पिंक कलर पार्टिकल, ये कौन सी लेयर का है, फर्स्ट लेयर का पार्टिकल, ठीक है। इस पिंक कलर के पार्टिकल्स के ऊपर ये जो ब्लैक सर्किल रखा गया है, सेकंड लेयर का पार्टिकल कितना हो गया, वन, ये कौन सा हो गया टू, और ये कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लोअर लेयर है, फर्स्ट लेयर का वन पार्टिकल, उसके ऊपर सेकंड लेयर का थ्री पार्टिकल्स एक साथ रखे गए हैं, और इनके बीच में भी क्या बन पा रहे हैं, होल बन पा रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल होल कहलाते हैं। इन होल्स को कहते हैं ओपन होल, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की साइड से ओपन है, इसलिए ये ओपन टेट्राहेड्रल होल्स है। ये टेट्राहेड्रल वैकेंसीज क्या है, ओपन टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये जो रेड सर्किल्स हैं इनको देख रहे हैं, ये कैसे बन पा रहे हैं, एक को डिस्कस कर रहा हूं मैं, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, ये पिंक कलर का एक पार्टिकल, ठीक है, पिंक कलर का एक पार्टिकल, ये पिंक कलर का दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, दिस इज थर्ड पार्टिकल ऑफ पिंक कलर, ये पिंक कलर का तीसरा पार्टिकल, ठीक है। पिंक कलर के कितने पार्टिकल्स हो गए, थ्री पार्टिकल्स, और ये थ्री पार्टिकल्स क्या है, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, ये ब्लैक कलर का सर्किल है, वन, ब्लैक कलर का टू, और ये ब्लैक कलर का थ्री, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर के भी कितने हो गए, थ्री हो गए, तो हमने क्या देखा है, और ये ब्लैक कलर के क्या है, सेकंड लेयर के पार्टिकल है, तो हमने यहां पर क्या देखा है, फर्स्ट लेयर के थ्री पार्टिकल्स के ऊपर सेकंड लेयर के थ्री पार्टिकल्स जब आ जाते हैं तो उनके बीच में भी एक होल जनरेट होता है, और ये होल हैं सब के सब जो रेड कलर के होल हैं, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं, इन्हें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा है, जो एक खास चीज देखी है अपने, फिर से शो किया है कि ये जो, हाँ ये जो मैंने शो किया है, सारे रेड कलर के पॉइंट्स किसको शो कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को शो कर रहे हैं, सारे जो रेड कलर के पॉइंट हैं ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को शो कर पा रहे हैं, जिसमें एक लेयर के तीन पार्टिकल और दूसरी लेयर के भी तीन पार्टिकल उनके बीच में बन पा रहे हैं, ठीक है। और जो ये पर्पल कलर के जो हैं, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कह दें चाहे इसको, ये जो सर्किल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसको शो कर पा रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है जो, ये क्या है, ओपन टाइप की है, क्योंकि ऊपर की तरफ के तीन पार्टिकल्स और नीचे के एक पार्टिकल से ये बनी है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, ओपन होल्स हैं। ये जितने भी जो ब्लू कलर्ड है, डार्क ब्लू कलर्ड है, ये सब पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये सब के सब क्या है, ये सब टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ठीक है, और ये सब टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल बनती कैसे हैं, कहीं पर भी देखें, मैंने बता दिया है, वन पार्टिकल और ऊपर के थ्री पार्टिकल्स इनसे बनी है, ये सब ओपन टाइप की है, ठीक है। और ये जो रेड कलर के हैं जो अपने पास में, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल होल है, नीचे के तीन पार्टिकल, ऊपर के तीन पार्टिकल, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप की वर्ड्स जनरेट होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक समरी के तौर पे देखा है, की पॉइंट्स जो आए हैं अपने पास इसमें से निकल करके, वो क्या है, की पॉइंट्स,
जब सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पर प्लेस किया जाता है उस टाइम क्या आता है, की पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट, बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल रूट्स आर जनरेटेड बिटवीन लेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप की वर्ड्स, दोनों टाइप की वैकेंसीज वर्ड्स के होती हैं, जनरेट होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा है कि दोनों टाइप की, बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर जनरेटेड, दोनों टाइप की, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी, दोनों टाइप की वर्ड्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, टीडी से मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर जनरेटेड बाय 3+1=4 स्फीयर्स, यानी कि नीचे की लेयर के 3 पार्टिकल, ऊपर की लेयर का 1 पार्टिकल, ये टोटल कितने होंगे, 4 पार्टिकल इनसे बनेंगी। और जब ये इस तरह से बनेंगी, नीचे की लेयर के 3 पार्टिकल, ऊपर की लेयर का 1 पार्टिकल, इस तरह से बनेंगी, तो ये जो वर्ड्स होंगी ये क्या होंगी, क्लोज टाइप की होंगी। ठीक है, अपर साइड से ये क्या होंगी, क्लोज टाइप की होंगी। या इससे फॉर्मेशन हो सकता है, लोअर लेयर का 1 पार्टिकल और अपर लेयर के 3 पार्टिकल, टोटल कितने हो गए, 4 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल इसको प्रिपेयर करें। जब लोअर लेयर का 1 पार्टिकल, अपर लेयर के 3 पार्टिकल्स होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये वर्ड्स जो होंगी ओपन होंगी, अपर साइड में क्या होंगी, ओपन होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में ये क्या बन है कि जो एक लेयर और दूसरी लेयर है, ये सभी क्रिस्टल के अंदर है, SCP और CCP दोनों पर ही लागू है, कि जो कंस्ट्रक्टिव लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बीच में, सभी लेयर्स के बीच में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप की जो वैकेंसीज हैं वो जनरेट होती हैं। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर जनरेटेड बाय 3+3=6। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं कैसे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स, सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल, टोटल क्या है, 6 पार्टिकल, इनसे क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती है 3+3 एंड ओपन बोथ लोअर एंड अपर साइड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं जो अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को जब रखा जाता है तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप की वैकेंसीज जनरेट होती हैं। इसे हम लोग इस एनिमेशन की हेल्प से देख पा रहे हैं, दीज आर 3 पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर और लोअर लेयर। ठीक, दिस इज 1 पार्टिकल ऑफ सेकेंड लेयर, नीचे की लेयर के 3 पार्टिकल्स के बीच में ये क्या है, ट्राइगोनल वर्ड्स थी लेयर के लिए। ठीक है, ये जो तीनों पार्टिकल्स के बीच में जो एक गड्ढा है, इस पे ये पार्टिकल चल करके आएगा और इनके ऊपर ये गिरेगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड्स अपने आप में क्लोज हो गई, ऊपर की साइड से क्लोज हो गई। क्यों, क्योंकि जो नीचे के 3 और ऊपर के 1, ये जो 4 पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ से, जो इनके बीच में जो वर्ड्स बनी है ये क्या हो गई है, ढक गई है, कवर्ड हो गई है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, नीचे की लेयर का 1 पार्टिकल, ऊपर की लेयर के 3 पार्टिकल्स, इसे हमने किससे शो किया था, 3+1, और ये क्या हो जाएगा, 1+3। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, इस तरह से अपर लेयर के 3 पार्टिकल्स इस तरह से आएंगे, यहाँ पर भी क्या होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे क्या देखेंगे, नीचे की लेयर के कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स, और अपर लेयर के कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 6 पार्टिकल्स, लोअर लेयर के 3 पार्टिकल्स और अपर लेयर के भी 3 पार्टिकल्स, 6 पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, और ये 6 पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगे, तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, एक होल होगा, इसे ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं, क्योंकि सबके सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करने से एक ज्योमेट्री बनती है, शेप बनती है, जिसमें 8 हेड्रोन यानी सरफेस होती है। इन चारों के सेंटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो एक शेप बनती है, ज्योमेट्री बनती है, जिसमें 4 सरफेस होती हैं, 4 हेड्रोन्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो इनके बीच में होगी ये क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगी ये वाली, ये कैसी होगी, ओपन टाइप की होगी, ये ऊपर की साइड से ओपन है,
ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है ये भी क्या होगी, ओपन टाइप की होगी, ऊपर की साइड से ओपन है। यहाँ जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है ये क्या है, क्लोज टाइप की है, ये क्लोज टाइप की है क्योंकि ये ऊपर से एक पार्टिकल रखने से क्लोज हो गई है। ठीक है, तो ओपन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, क्लोज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखी जाती है तो दो तो क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, और एक क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल। आगे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं जस्ट डबल होती हैं, किसकी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की डबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन पाती है। और जो टेट्राहेड्रल है उनके दो टाइप होते हैं, क्लोज टाइप की, ओपन टाइप की। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, ओपन टाइप की। ठीक है, इनको फोर पार्टिकल्स से बनाया जाता है और इनको सिक्स पार्टिकल्स से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे देखा है। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट इसको देखते हैं, डायग्राम में लेंगे तो इस तरह से लेंगे। ये जो इसके ही कलर के तीन सर्किल्स हैं फर्स्ट लेयर के, इनके ऊपर ये जो रेड कलर का सर्किल रखा गया है ये कौन सा है, सेकंड लेयर का है। यहाँ पर क्या बनी है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स डायग्राम में। ये जो इसके ही कलर के थ्री पार्टिकल्स हैं, थ्री पार्टिकल्स, इनके ऊपर रेड कलर के कितने पार्टिकल रखे गए हैं, थ्री पार्टिकल्स, टोटल कितने हो गए, सिक्स, सिक्स पार्टिकल्स। इनके बीच में एक होल बना है, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल होल। ये एक्चुअल डायग्राम है, ए वाले डायग्राम्स तो क्या है, एक्चुअल है ये तो। ठीक है, ये एक्सप्लोडेड डायग्राम है, बी वाले डायग्राम। दीज थ्री पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, वन सेकेंड लेयर, इनके बीच में बन गई, ये क्लोज टाइप की टेट्राहेड्रल वर्ल्ड हो गई। ठीक है, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स है इस तरह से बन गई, थ्री पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर, थ्री प्लस अपर लेयर, थ्री प्लस थ्री। ज्योमेट्री को हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से देखेंगे, इसमें कितने सरफेस हो गई है, वन सरफेस, ये कितनी हो गई, टू सरफेस, और ये कौन सी हो गई है, थ्री सरफेस। थ्री सरफेस तो ये हो गई अब फ्रंट साइड में, और रियर साइड में एक सरफेस हो गई, कितनी हो गई, चार सरफेस हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। और ये जो सिक्स पार्टिकल्स हैं इनके सेंटर्स को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करें, कर दिया मैंने कनेक्ट, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये तैयार हो गया। इनको भी हम लोग इस तरह से कनेक्ट करें, कर दिया मैंने कनेक्ट, तो ये नीचे वाला पोर्शन ये तैयार हो गया। तो एक तो सरफेस अपर साइड में हो गई, एक सरफेस लोअर साइड में हो गई, कितनी हो गई, टू हो गई है। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर के दो पार्टिकल्स नीचे के एक पार्टिकल से कनेक्ट किए, तो ये अपने आप में क्या हो गई, एक सरफेस हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऊपर का एक और नीचे के दो से कनेक्ट किया, ये दूसरी सरफेस हो गई। ऊपर के दो नीचे के एक से कनेक्ट किए, ये तीसरी सरफेस हो गई। ठीक है, तीन सरफेस हो गई अपने, ये फ्रंट साइड में हो गई, और तीन सरफेस होंगी अपने रियर साइड में, तो टोटल क्या हो गई, सिक्स। तो जो वर्टिकल प्लेन्स हैं उनमें जो वर्टिकल प्लेन्स हैं, वर्टिकल जो सरफेस हैं वो कितनी हो गई है, सिक्स, अपर साइड में वन, सेवन, और लोअर साइड की एट, तो टोटल कितनी हो गई, आठ सरफेस हो गई हैं, एक ऊपर एक नीचे और छह साइडों में हो गई हैं। छह साइडों में ये तीन तो मैंने सो कर दिए जो फ्रंट साइड की है, तीन रियर साइड की जो मैंने सो नहीं की है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई है, यहाँ पर आठ सरफेस हो गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड रखा गया है। ठीक है।